9 मई की फुटेज आई है शेख साहब अब सामने, आप लोग डिमांड कर रहे थे कि 9 मई की कोई फुटेज आए, सीसीटीवी फुटेज कोई नहीं दिखा रहे आप लोग, एक साल से ऊपर हो गया। अभी जो फुटेज आई है पीटीआई का, वो जो डिमांड है, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फुटेज को रद्द करती है। दिस इज अ जोक ऑफ अ फुटेज। ये क्या हम स्टूपिड समझते हैं? ये इसको सीसीटीवी फुटेज कहते हैं। 9-10 घंटे पे मुहित एक वाकया जिसे एक्सप्लेन किया जाता है, उसके आप इस तरीके से टुकड़ों में किसी चीज को किसी से मिला दिया, ये कोई बॉडी फिल्म का आपने वो ट्रेलर निकाला है जो आप जिस तरीके से चला रहे हैं, क्या पागल समझते हैं? वो ये तरीका होता है, तो एक टुकड़ा एडिटेड है, ये तो एडिटेड, इसको एडिटेड भी सही तरीके से नहीं किया, किसी नलायक आदमी ने किया। यानी कि आप देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये क्या खसमाई हुई। सीसीटीवी फुटेज का मतलब है आप कैमरे की सारी फुटेजेस निकालें और लाएं जुडिशियल कमीशन के सामने। अच्छा, वैसे घंटे की है, सात घंटे की है, वो आठ घंटे, ये क्या तरीका है कि आपने वो बना फुटेज पूरी मौजूद कर दी है, तो आपने आप लोगों ने ट्वीट्स कर दी है वो टुकड़े में ला के, तो आप ये समझते हैं कि दुनिया पागल है? ये जो इस किस्म के काम जो है बेचारे, क्या इनको मैं क्या बताऊं? अच्छा, अगर अगर 8-9 घंटे की फुटेज रिलीज होती है तो फिर पीटीआई मानेगी, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? आप सीसीटीवी फुटेज का मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जो कैमरा लगा हुआ है उसमें जब वो बकुआ शुरू हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बकायदा डेट साइड पे आ रही है, मिनट बाय मिनट का उस पर क्लॉक चल रही है। सीसीटीवी फुटेज का मतलब यह है कि हर मूवमेंट उसके अंदर आ रही है, दुनिया देख रही है कौन आने वाला था, कौन करने वाला था, सारी चीज आपके सामने आ रही है। ये क्या तरीका है कि उधर से अपनी मर्जी का एक टुकड़ा निकाला, उधर से एक टुकड़ा निकाला, वो निकाल के तो एक ट्वीट कर दी, इसको सीसीटीवी फुटेज कहते हैं? हमें पागल समझा हुआ है इन्होंने? अच्छा, हो सकता है कि वो फिल्म से पहले एक ट्रेलर आना होता है, ये कोई ट्रेलर शेलर हो शेख साहब? चले जी, जब फिर फिल्म आएगी तो तब देखेंगे ना, ट्रेलर शेलर तो बखान फिल्म। अच्छा, आप इसको जरा मिलाते हैं 24 नवंबर के साथ, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, हुकूमत पे आप ट्रस्ट नहीं करते, हुकूमत आप पे ट्रस्ट नहीं करती। वो कहते हैं कहते पुरमन है, आग तोड़ फोड़ कर देंगे। दूर की बात है, ट्रस्ट तो बहुत दूर की बात है, हम इन डाकू हुकूमत वालों को मानते ही नहीं। चले, आपने मेरी बात पे स्टैंप लगा दी ना, तस्दीक की स्टैंप लगा दी। अब मुझे बताएं 24 नवंबर को वो आप पे कैसे ट्रस्ट करेंगे? कहेंगे नहीं, इन्होंने तोड़फोड़ करनी करनी है, तो इनको उसी तरीके से डील करना चाहिए। ना करें, आगे कौन सा उन्होंने हमें कभी प्यार से डील किया? जब भी हम अपने पुरमन एहतजाज के हक को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं वो कंटेनरिस्तान बन जाता है, शेलिंग होती है, रबर बुलेट्स फायर होते हैं, लाइव एम्यूनिशन फायर होता है, डिटेंशन ऑर्डर्स आते हैं, लिस्टें बनती हैं, बैटन चार्ज होता है, बंदे उठाए जाते हैं, तो आगे कौन सा को हमारे साथ ये खैर का रवैया रखते हैं जो आप हमसे को खैर की तवक्को कर रहे हैं? हमें भी किसी से को खैर की तवक्को नहीं है, हम पुरअमन रहेंगे, ये अपना जोर अपनी बदमाशी आजमा लें, हमारे लोग जो है वो हर कुर्बानी के लिए तैयार है। अच्छा, बुशरा बीबी को भी खदशा है उनके रीअरेस्ट होने का शेख साहब? इस पार्टी में हर आदमी को खदशा रीअरेस्ट होने का। कौन सा है? जो चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने की कोशिश हो रही थी, जहां पे हमारे कायद को अरेस्ट करके अंदर रखा हुआ है, जहां पे हर आदमी के ऊपर दर्जनों एफआईआर है, एवरीबॉडी कैन बी रीअरेस्टेड, हर किसी को यही खदशा है। लेकिन वो चीफ मिनिस्टर के बारे में तो वजीर दिफा कह रहे हैं ना कि ये तो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये जो वो गए हैं रास्ता निकला है, वजीर दिफा कौन है? नहीं नहीं, वो जो है ना वजीर दिफा कॉम्प्रोमाइज करके, नहीं वजीर दिफा कौन है? नहीं नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप हमें वजीर दिफा का ना बताया करें। वजीर दिफा कौन है? वो जिसने रियाना डार ने जिसको हराया था, हाँ, वो जो डाके के मैंडेट के साथ बैठा हुआ है, बोगस गवर्नमेंट का बोगस जो वजीर दिफा है और उसको लगा दिया उन्होंने, तो वो जो कहता है आप हमें बता रही है कि वो ये कह रहे हैं, मैं तो बताऊंगी ना, वो है तो फिलहाल वजीर दिफा है। अच्छा, लेकिन झूठ बोल रहे हैं ना, वजीर दिफा है तो क्या हुआ, हम उनके वजीर आजम को नहीं मानते, आप मुझे वजीर दिफा की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब झूठ बोल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये कौन होते हैं हमारी पार्टी में लोगों को गद्दारी के, कॉम्प्रोमाइज के और इधर के सर्टिफिकेट देने वाले? किसी क्रेडिबल आदमी की बात करें तो मैं आपसे बात करूं, किसी न्यूट्रल आदमी की बात करें, अली अमीन गंडापुर साहब तो क्रेडिबल है ना जी। अच्छा, तो उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को भी कह दिया, ये भी फॉर्म 47 की पैदावार है, तो ये बात तो मान ले फिर हम, बिल्कुल मान ले अगर वो कह रहे हैं तो। पीटीआई का भी ये मौकफ है, आपने उनका बात किया ना, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, वो क्रेडिबल है और आप मौलाना साहब से बात कर रहे हैं, वो भी फॉर्म 47 की पैदावार है आपके साथ मुताबिक? तो मैं आपको बता देता हूँ ना, पीटीआई ने अपोजिशन में बैठे हुए तमाम लोगों के साथ, चाहे कोई किसी को अच्छा लगे या ना लगे, एक ग्रैंड एंगेजमेंट शुरू की हुई है और उसमें हमने उनके साथ एंगेज किया है, हमने पिछली सारी बातें जो है वो दफन की, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अच्छा, मौलाना साहब के फॉर्म 47 वाली बात दफन हो सकती है, हुकूमत की क्यों नहीं हो सकती शेख साहब, जरा मुझे समझाइएगा।
नहीं, आपको मेरी बात नहीं समझ आई। जिस वक्त हमने एंगेजमेंट शुरू की तो एंगेजमेंट शुरू करने से पहले कुछ चीजें जो है उनके ऊपर बैठ के तय किया जाता, और एंगेजमेंट हमने किस पॉइंट पे शुरू की थी, बिकॉज मौलाना हैड मेड इट क्लियर टू अस कि वो 26वीं तरमीम के खिलाफ है बाकायदा तौर पर, और हमने वो एंगेजमेंट शुरू की थी कि हम उन्हें कायल कर सके कि आप 26वीं तरमीम के हक में वोट ना दें, आप हमारे साथ चले। उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि ही वोंट डू इट। जिस वक्त उन्होंने अपना फैसला कर लिया कि उन्होंने वोट देना है, हमने अपना फैसला कर लिया कि हमने वोट नहीं देना, हमने इसकी मुखालफत करनी है। उस हवाले से वो एंगेजमेंट शुरू हुई थी और उसपे हमने कई बातें जो है उस पर उस वक्त पर्दा किया कि एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, ये इस तरमीम के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बाद के आपस के इख्तलाफात बाद में देखेंगे। बट देन अगेन ही बिकेम पार्ट ऑफ देम, उनके साथ जाके खड़े हो गए। ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर। अब तोपों के रुख वापस मौलाना साहब की तरफ जाएंगे शेख साहब? जी, आप अपना एहतजाज करना चाहते हैं, हमारी तोपों का रुख सिर्फ इस हुकूमत की तरफ है बस। 24 के अलावा हमें कुछ वाली बात चल रही है वो अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं, मैंने इमरान खान साहब से बात की, इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर जिसने भी गुफ्तगू करनी है, जिसने भी बातचीत करनी है, आपकी बार मुझसे होगी। किससे तवक्को का? अगर गवर्नमेंट भी रीच आउट करती है तब भी ठीक है, अगर जिसने गुफ्तगू करनी है तो कर ले। हमें तो अडियाला जाने नहीं देते, हमारी सियासी क्यादत को, हमारे लोगों से तो मिलने नहीं देते, किसी और को मिलने देते हैं तो मिल ले जाके, हमने रोका है। गवर्नमेंट अगर रीच आउट करे शेख साहब ठीक है चलेगा, या गवर्नमेंट से बात ही नहीं करे? हम तो कहते हैं, हम तो कहते हैं हमसे तो बात ही ना करो, तुम डाकू हो। वो जो हमारा कैद है वो अडियाला में बैठा है, जब एक जलसा रुकवाने के लिए सुबह 7 बजे जेल खुलवा सकते हो तो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए, किसी लिए भी, हु नोज वॉट, वो बैठे हैं वहां, उनसे अंदर जाके बात करें, हमसे बात ना करें, हमें तो हुक्म आ गया, बात खत्म हुई। चले।